बिल्कुल डरावना भूत लग रहा है। आज बहुत सिंपल खाना बन रहा है जी। तो दाल के सीटी लगवा दी है मैंने, अभी छौंका लगाऊंगी। तो थोड़ी सी प्याज और मिर्ची काट ली है, खीरा काटना है सलाद के लिए। और इसमें तो मैंने भिगो दिया कल के लिए चने मूंग दाल। और ये देखो ये चावल, आज मेरे को सुबह से ही था, सुबह ही सोच लिया था कि आज दाल चावल बनाऊंगी दोपहर में। तो चावल को मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, अभी कितना 1.5 घंटा हो गया होगा आई थिंक, 1-1.5 घंटे पहले मैंने इनको अच्छे से वॉश किया। पानी दिख रहा नहीं, एकदम वाइट, अच्छे से वॉश कर, जब पानी बिल्कुल सफ़ेद हो गया तब तक मतलब ऐसे। और इसके बाद इसको भिगो के रख दिया। अब चावल भी अच्छे बनेंगे, सॉफ्ट बनेंगे। दूसरा ये होगा कि जो ये वाला पानी है ना, इसको मैं यूज कर लूँगी अपने हेयर वॉश का, जब हेयर वॉश हो जाता है तो लास्ट रिंस जो करते हैं, मतलब बाल धो गए शैम्पू से, पूरा शैम्पू निकाल दिया बालों से और लास्ट में जो पानी जाएगा बालों पर वो लास्ट हेयर रिंस इससे करूँगी। तो इसको निकाल दूँगा, मैं यूज़ कर लूँगी या योशी को दे दूँगा, मतलब कोई भी यूज कर लेगा। तो अभी इसको मैं निकाल दूँगा। फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, चावल का पानी फेस के लिए बहुत बढ़िया है। यूज़ करके देखना, अगर कुछ यूज़ नहीं करते हो, दाग धब्बे हैं या कोई ऐसी परेशानी है ना, ग्लो नहीं रहता है और दाग धब्बे ज़्यादा जैसे वो हो, पिगमेंटेशन हो और आपको लगे कि डल सा रहता है, तो सिर्फ ये चावल का पानी, ऐसे चावल भिगो दो, थोड़ी देर भिगो दो। ये तो मेरे को ज़्यादा बनाने थे इसलिए मैंने ज़्यादा भिगोए हैं, थोड़े से 2 चम्मच चावल भिगो दो और 2-4 घंटे तो जरूर रखना उसको, चाहो तो ओवरनाइट रख सकते हो। और फिर उस पानी को लेकर स्प्रे बॉटल में डाल लो, फ्रिज में स्टोर करो, 7-10 दिन खराब नहीं होगा। और बस बहुत अच्छा है, टोनर है फेस के लिए, मार्केट वाला खरीदना बंद करो, किसी को खरीदना है तो खरीदो, पर मतलब मैं बता रही हूँ बहुत अच्छा है ये। तो इसी तरह से बालों के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी मैं इसको निकाल लूँगी किसी बर्तन में और रख दूँगी। बर्तन प्लास्टिक में नहीं निकालना चाहती मैं इसके पानी को, क्योंकि प्लास्टिक में कोई भी चीज़ हो थोड़ा ख़राब जल्दी हो जाती है। तो ये ग्लास का जार, ये जार तो मेरा वैसे दूसरी चीज़ के लिए है जी, इसमें नहीं, इसमें डालूंगी। आज मिश्री ख़त्म हो गई है, मिश्री पाउडर ना जो मैं उसमें लेती हूँ शेक में डालती हूँ, तो वो ख़त्म हो गई, इसलिए इसको वॉश कर दिया था, तो इसमें तो वो डालूंगी, और कुछ लेना पड़ेगा। एक ये जार है, ये ले लेती हूँ ग्लास का, है तो और भी पर भैया पता नहीं अभी कहाँ कहाँ रखे हैं, इसमें आ जाएगा ये, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जितना ज़्यादा रखो उतना ही पानी का कलर चेंज होता जाएगा, उतने इसके भाई चावल के गुण इसमें आते जाएंगे। तो ये हो गया, अभी इसको मैं ढक दूंगी और रख दूंगी, इसको रख देते हैं, दिन में देखूंगा टाइम मिलेगा तब मिश्री कूट के और इसमें रखनी है फिर मेरे को। तभी दाल छोक देती हूँ फिर चावल रख देती हूँ, बन जाएंगे चावल में कहाँ टाइम लगे। राम राम जी, कैसे आप सभी, हम पर जिदया है, आप सभी के ऊपर वाले का आशीर्वाद है, एकदम बढ़िया है। तो अभी लंच की तैयारी चल रही है, सीधा सिंपल लंच है आज के, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो कभी कभी सीधा सिंपल भी चाहिए, बच्चों को दाल चावल भी पसंद होते हैं और हम मुझे भी हैं, तो मैं सोची आज दाल चावल ही बनाती हूँ। तो बस अभी इनका थोड़ा छोका दे देती हूँ, ये करती हूँ और फिर बच्चों का टाइम हो जाएगा तो फिर बच्चों को लेके आएंगे। अरे नहीं रोकू ना, ये बन गए जी चावल। ये लग गई जी खाने की प्लेट, चावल घी बुरा तो चाहिए जी, मीठा तो देखो, और पराठा ही सुबह का ही बचा रखा है, दही है, दाल है और सलाद में प्याज खीरा है। और ये बच्चा खा रहा है हाथ से, वेरी गुड, चम्मच नहीं चाहिए, ठीक है ठीक। ये बच्चा तो जी नींद आ गई, इसको फैन भी नहीं चला है, ऐसे ही सो गई नींद आ गई, कराटे क्लास है इसकी तो उठाना पड़ेगा इसको, अभी तो सो लेगी, 3:30 हुए हैं, 4:30 जाएंगे तो तब तक आराम से सो लेगी। ये देखो जी आप ठंड के मजे ले रहे हो, हम ले रहे हैं फैन के मजे। इधर तो फैन बंद नहीं होते जी, जब ज़्यादा बारिश पड़े उसी टाइम पे फैन बंद होते हैं, और गर्मी लग रही है बहुत, पसीने अभी नहीं आ रहे, बर्तन वॉश करके आई हूँ, अभी काम खत्म हो गया तो थोड़ा जल्दी हो गया, 3:30 हुए हैं। ओहो, ये देखो धूप, बहुत तेज़ की धूप है, इस धूप में तो पसीने आ जाए, ऐसे गर्मी है ना क्योंकि, और धूप भी अच्छी है, तो इधर तो जी कोई ठंडी है नहीं। अभी मैं भी थोड़ी सी देर आराम करती हूँ, मेरे को करना था एक सूट का काम, देखती हूँ। टाइम हो गया जी, शाम के 5:30 होने वाला है, निशिता का टाइम होने वाला है, मैंने किया फ़ोन का कुछ काम और ननद का फ़ोन आ गया तो उससे बात की, जोशी को मैंने सूट बोला एक दिखाती हूँ कौन सा, फिर सूट की स्टोरी बताऊंगी। तो अभी योशी पहन लिया, अच्छा दिखा तो कैसा लग रहा है, पता नहीं उसको।
दिखा तो दे ये सूट जी। मैं योशी तेरा ये बनाऊं पता नहीं मैंने बहुत अजीब दिख रहा है जी। मैंने इसको ना ये यही पहनाया था कि योशी तेरे को पहना गया, बट ट्राई करती इसका गड़ा वड़ा थोड़ा पता लगेगा, थोड़ा फिटिंग का पता चलेगा, तेरे पे चल सकता है तो मैं तेरी बना दूंगी ये ड्रेस, और नहीं तो फिर मैं अपनी ही बनाऊंगी। तो इसलिए मैंने इसको ट्राई कराया, ये इसको मैं सोच रही, क्योंकि ये देखो नीचे से नहीं है, योशी ऊपर वाले इसको उठाने एक बार बेटा। हाँ ये नीचे से देखो इस तरह वाला है, ये पूरा बंद ना, ये अम्ब्रेला टाइप वाला। तो ये ना आजकल मेरे को पसंद, आजकल थोड़े कम हो रहे हैं, ये कम पसंद आ रहा है, ऊपर से थोड़ा नीचा ज्यादा, अगर जब ऊंचा रहे ना ऊंचा थोड़ा घुटने से मतलब थोड़ा सा तो उतना अच्छा लगता है, ये ना नीचे तक आता है तो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। योशी मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ, यही सोच रही थी जी मैं कि इसका जो एक मिनट, तो इसमें जी मैं सोच रही थी कि जो ये नीचे वाला लहंगा है ना इसको कट गया, मैं लहंगा बना दूंगी तेरा नीचे वाला, जो नीचे का कपड़ा है ना ऊपर वाला उठाइए एक बार। ये जी ज्वाइंट है जो फिटिंग वाला, ये वो लो बस इतना ही ठीक है, फिटिंग वाला जो साइड में कपड़ा है ना तो ये दोनों ज्वाइंट है, उसके बाद ही ऊपर वाला अलग हो गया, नीचे वाला अलग हो गया, मतलब अलग हो गई और ऊपर से साथ में। तो मैं योशी नीचे का लहंगा बना दूंगी तेरा और ऊपर ये रहने दूंगी, मैं ऐसे सोच रही थी योशी का, पर इसको थोड़ा मुंह देख कर मुझे इसका लग रहा है कि इसको ये पसंद नहीं है, तो इसलिए मुझे मेरा ही कुछ करना पड़ेगा। पर ऐसे तो मैं इसको नहीं रखूंगी, तो इसको मैं चेंज करूंगी। चेंज कैसे करूंगी वो वाली बात है सोचने वाली, कभी सोच रही हूँ कि इसका नायरा कट कर लेती हूँ, वो ननद का आइडिया है। तो ननद ने क्या बोला मेरे को कि रुको ना इधर से ही दिखा कि जैसे यहाँ से कट होता है ना जी उसमें, तो यहाँ तक तो बोली ये सेम रख ले यहाँ तक कट करके, फिर ये वाला हटा दूँ, ये वाला ऐसे और ऐसे यूँ यहाँ ऐसे पकड़ी देगा, कैसा लगेगा एक बार। हाँ जैसे नायरा कट ऐसे हो जाएगा ना, तो वो मतलब ऐसे कह रही है कि ऊपर से, तो क्योंकि इसके कढ़ाई वगैरह मणिया मोती लग रहे हैं, ये तो काम अच्छा है इस पे, सुंदर है, बस मेरे को ये ना नीचे से ऐसा हो गया ना अम्ब्रेला वाला तो कम पसंद आ रहा है, इसलिए मैं इसको चेंज कर रही हूँ। बाकी इसका कलर भी मुझे पसंद है, इसका डिजाइन भी मुझे पसंद है, सब कुछ इसका पसंद है यार, मतलब बहुत कम बारी मैंने पहना है और इस पे मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। तो सोच सकते हो मैं भी थोड़ा डर रही हूँ एक्सपेरिमेंट करते टाइम कि पहने का अच्छा सूटर कहीं वो ना हो जाए खराब, तो अभी मैं इसको या फिर जी ऐसे करूँ जैसे योशी ने अभी पहन लिया मतलब पकड़ रखा है, यहाँ से कट कर दूँ तो ऊपर का वैसा हो जाए, ये नीचे वाले में चुन्नट तो फिर थोड़ी बहुत ही पड़ेंगी, ये जितना थोड़ा बहुत छोटा होगा तो थोड़ा बहुत तो होगा, मतलब नायरा कट मतलब नीचे का ये रख दूँ ऊपर का ये वाला रखूँ, तो ये कैसा लग रहा है जी देख के बताओ। मैं आज तो नहीं कर रही, आज मैं आपसे पूछ रही हूँ और उसके बाद करूँगी मैं इसका कि क्या करूँ, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताना जो भी वीडियो को देख रहा हो कि कैसे करना चाहिए, या तो ऐसे करके इसको नायरा कट बना लूँ, या योशी छोड़िए दिखा नीचे छोड़ दे, या फिर नीचे वाले की स्कर्ट कर लूँ और ऊपर वाला ऐसे ही रहने दो, मतलब ऊपर वाला जैसे है उतना है और जो नीचे वाला है ना जो लहंगा सा दिख रहा है आपको उसको कट करके स्कर्ट के रूप में इस्तेमाल कर लूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। तो देखती हूँ मैं कौन सा क्या इसको घूमिए ना दिखा, वैसे इसका डिजाइन सही है अच्छा है, बट मैं सोच रही थी कि योशी का बना देती हूँ, योशी को तो पसंद नहीं आया, तो अभी मैं अपना ही कुछ देखूंगी, ठीक है भाई। नहीं करना ना तेरा पक्का फाइनल नहीं, ठीक है तो मैं मेरा ही फिर करूंगी, तो कुछ ये क्या बात हुई फाइनल नहीं है इसका, बदल चुका है जी इसने इरादा चेंज कर दिया, बोल रही मम्मा लहंगा बना रही हो तो मेरा लहंगा बना दो, क्योंकि इसने ऐसे पहना ना तो बोले कि नहीं मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा, पर अब मैं इसको लहंगे के लिए बोल रही हूँ कि ये नीचे का लहंगा बना दूंगी ऊपर का अलग कर दूंगी, तो बोल रही है कि मेरा बना दो। तभी भी जी मैं हिसाब किताब लाऊं, ठीक है तू चेंज कर ले मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। निशु को लाने का टाइम हो गया, अरे निशु को लाने का टाइम हो गया, मैं जाती हूँ निशु को, योशी को भेजती हूँ, योशी लेके आ जाएगी, योशी निशु को लेके आ जाना, और मैं इसका हिसाब किताब लगाना पड़ेगा क्योंकि जी नए सूट ना नया आए, देखो तो ऐसे ही तो काट के नहीं डालूंगी, योशी कह रही मम्मा पहन लूंगी तो थोड़ा सा एडजस्ट करके देखती हूँ कि अगर उसका बन जाएगा तो फिर उसका बना दूंगी, नहीं तो फिर मेरा तो करना है ही, तो देखती हूँ कि करती क्या हूँ। आप लोगों के दिमाग में कोई आइडिया आया तो बताना, शेयर करना कि क्या करना चाहिए उसका। ये बच्चा आ गया जी ड्राइंग क्लास से, दिखा तेरे आज क्या बना के लाया है, मैं तो इसको लेके बैठी हूँ, मेरे को समझ में ना आ रहा क्योंकि वही सोच रही हूँ काट पीट दूँ और फिर कभी किसी काम का ना रहे, तो ये सब देख रही हूँ कि इसको कैसे करूँ, कहाँ से काटूँ और कहाँ से ना काटूँ, करती हूँ कुछ लिया देखा कैसी ड्राइंग बनाई आज। ओ वाह सुंदर, ये तो मम्मा बना दी तूने हैं, नहीं हाँ कि ना, तो थोड़ी देर पापा आएंगे, आए नहीं अभी, सुंदर बना रखी है ना जी, ये आज बना के लाया है ना ये, और इससे पहले वाले ये तो दिखा दी थी भैया, तो ये अरे ना ये इससे पहले गई थी तब क्या बनाई थी वो बस, हाँ ये कब कराया आज, अच्छा वो करा के ये कराई, अच्छा फिर अगली क्लास में पूरी कराएगी टीचर, ठीक।
बज गए हैं जी रात के सही 7, शाम के हो गए, रात के नहीं 7 बज गए हैं। तो थोड़ा सा आटा लगाया, ये रोटी बनाऊंगी, दाल रखी है और थोड़े से चावल बच गए थे वो मैंने दूध में डाल दिए खीर बनने के लिए। थोड़ा सा जल्दी तो नहीं क्योंकि 7 बज गए हैं, पर मैं सोची कि आज मैंने वीडियो नहीं बनाई है डांस की ना, तो भाई चेंज वेंज करना पड़ेगा, फिर उसमें मेरा कई देर जाती है, यानी कि 5-10 मिनट का काम नहीं होता या आधा घंटे का भी नहीं होता कि चलो आधा घंटे 7:30 बजे बना लेती, तो कई देर लगेगी। तो मैंने सोची पहले खाने का काम कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर बच्चे खाते रहेंगे, इनको जैसे भूख रहेगी तो, और अभी भी खा लेंगे, अभी दूंगी तो अभी खा लेंगे ये लोग, ऐसे कुछ नहीं है। तो इनका खाना पीना कंप्लीट हो जाता है, फिर मैं सोच रही हूँ होता है क्या वो जी पता नहीं है, तो अगर चेंज करके वीडियो बनाऊंगी तो वो भी शेयर कर दूंगी। तो पहले खाना बना लेते हैं। ले ले ले, बारिश आ गई जी और 9 बजने वाले। ओ देखो देखो लाइटिंग कितने जोर से हो रही है। जा रही हूँ, कपड़े सूख रहे हैं बाहर, उतार लेती हूँ। लेके जा नीसू, नीसू कर रही है मदद, आएगी बिजली भी कड़क रही है जोर जोर की, अच्छे से कड़क 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 कड़क। देखो उतार लेती हूँ कपड़े, तो मैं उतार लिए जी कपड़े। ये देखो ए उस तक मैंने फराई थी यहाँ पे पैर का खड़ी, ये क्या है? दोनों बहने आज देख लो मेरी ड्रेस पहन के घूमो है, तूने क्यों पहनी है? बारिश हो गई जी जोर की और बिजली चमक रही है वो भी जोर की। देखो नींद भी आएगी बढ़िया एकदम। ओ मैं अंदर जाती हूँ, कर लेते हैं दरवाजा बंद। बिल्कुल डरावना भूत लग रहा है। अलमारी खोल दी कपड़ों की बंद कर। वाह वाह मैडम, महारानी जी महारानी जी, ये आपका वो पीछे घिसड़ रहा है, महारानी जी ये पीछे घिसड़ रहा है, देखना महारानी जी को। हमें गेट आउट किचन। मैं देख कपड़े सुखाती हूँ, अभी सुखाए थे जी थोड़ी देर पहले, देख कपड़े सुखाती हूँ और ब्रश करने मुझे काम है, थोड़ा और काम है, फोन का कुछ काम करना है, वीडियो का। वो तो बच गई, वो भाग गई, निकाल दे गंदा करने लग रही, और ब्लॉग को खत्म करती हूँ। मौसम बिजली करने लगे कड़कड़ तो वो लगे फोन का काम करते हुए भी, तो पिटाई कर दूंगी मैं तेरी, जरूरी तेरे को ये ड्रेस पहननी है, ये ड्रेस निकाल इसको निकाल, नहीं क्या इसे निकलवाती हूँ, उल्टा करके रख। ब्लॉग को खत्म कर लोग, आप लोगों को पसंद आया तो पसंद आया प्लीज लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना, प्यार आशीर्वाद बनाए रखना। कल फिर मिलूंगी अगले ब्लॉग में इन्हीं जोकरों के साथ, तब तक के लिए आप सभी को शुभरात्रि, राम राम जी। वो जोकर निकाल दे बस।